हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ साबुत मूंग की दाल तड़का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दाल, मूंग की दाल घर में किसी को पसंद नहीं आती है, आप सभी जानते हैं। बच्चे भी नाक मारते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं खाना, लेकिन आप आई एम श्योर कि इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। इसमें एक स्मेल होती है जो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। 250 ग्राम मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल को अच्छे से धो करके मैंने बिल्कुल बहुत साफ पानी में भिगो करके रख दिया है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे पानी निकाल करके। फ्रेंड्स, इस दाल में ना एक अलग से स्मेल होती है मूंग की दाल में, जो नहीं पसंद आती है बच्चों को। और उसमें मैंने तीन गुना, मतलब एक कटोरी डाले तो तीन उसमें पानी डालता है। एक प्याज डाली है मैंने, एक टमाटर डाला है, 5 गार्लिक डाले हैं, साबुत लहसुन, नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, नमक डाला है। और ये मेन इन्ग्रीडियंट, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब कुकर बंद करके इसको 2 से 3 विसिल लगाने तक हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इससे ना, इस तरीके से डालने से उसकी वो स्मेल जो होती है ना, वो ये सब मसालों में नहीं पता चलती बच्चों को। अब ये देखिए अच्छे से हो गया है बॉयल, इसको हम ऐसे ही रख देंगे क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे, बनाएंगे इसको। अब एक मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है, साथ में 3 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, देसी घी का यूज़ किया। अब देसी घी अगर मैं नॉर्मली डालती तो वो जलने लगता है, इसलिए मैंने इसमें साथ में रिफाइंड डाला है, हींग डाला है, लहसुन डाला है, इसमें 8 गार्लिक डाले हैं पूरे चॉप करके। अगर नहीं खाते तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। ज़ीरा डाला है इसमें, क्रैकल होने दीजिएगा, थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिएगा, तभी लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इससे ना दाल बहुत ही अच्छी बनती है, इसका एरोमा बहुत अच्छा आता है। अब अच्छे से जब ये क्रैकल थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें प्याज चॉप करके मैं इसमें डाल दूंगी। और उसी के साथ में मैंने एक हरी मिर्च इसमें डाल दी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए। एक देखिए प्याज डाला है मैंने, और उसी में ही मैंने ग्रीन चिली चॉप करके डाल दी है। बच्चे खाते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्याज को भी हमें देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब एक टमाटर हम इसमें चॉप करके डालेंगे। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी डाली हैं तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो लेकिन उसमें डालने से और इस तरह से तड़का लगाने से दाल का जो फ्लेवर है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नमक डाला है थोड़ा सा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है, इससे ना थोड़ा सा एक कलर बहुत अच्छा आएगा और नमक से टमाटर जल्दी से मैश हो जाएगा। अब ये जो हमने दाल बॉयल करके रखी है वो हम इसमें सब पलट देंगे। अब इसी दाल को हमें यहाँ पर पकने देना है थोड़ी देर के लिए, इसके तड़के के साथ पकना बहुत ज़रूरी है। देखिए पक पक के ये इस तरीके से गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल मैश का चमचम से चलाते हुए ना हमें इसको मैश करना है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब देखिए, अब हम दाल को अभी सर्व कर लेते हैं अपने डिश में। ऊपर से तड़का एक इसमें और लगाएंगे, जो इसका मेन जो है टिप है इसका बहुत अच्छा। अभी इस तरह से दाल हमने अपने आप डिश में सर्व कर लीजिएगा, जिसमें भी आपको सर्व करनी है। उसके बाद एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, और 2 लाल मिर्च मैंने तोड़ करके डाली। हमेशा तोड़ करके डालिएगा लाल मिर्च, नहीं तो वो फट के आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी देगी लाल मिर्च डाली है, और बस हमारा तड़का रेडी है। अब इसको इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए डालते ही ना इसमें जो टेस्ट है ना दाल में, बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और एक बार इसको रफली हल्का सा मिक्स कर देंगे पूरी दाल में। ये देखिए, और दाल हमारी बनकर रेडी है। तो आप भी खाइए और इस तरह से दाल ज़रूर बनाइए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये दाल आपके बच्चों को कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।